आरसीबी टाइटल जीत गया, आरसीबी टाइटल जीत गया भाई उनका, चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफ्फी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? पर मेरे पीएसएल के घंटों आप ही बाहर आओ ना, क्राउड देखा कि क्राउड देखा आईपीएल में, सॉरी डब्ल्यूपीएल में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा? पीएसएल प्राइज मनी लेस देन वुमेन प्रीमियर लीग की जो है पैसे, उससे मेरे वास्ते क्या हुक्म, मेरे लिए क्या हुक्म है आप ये बताएं। तो आपके पास पैसा बहुत है ना, हमारे पास तो कम है पैसे। आप देखिए, आप आपकी लड़कियों को भी जो पैसे मिले हैं वो हमारे जो यहाँ पे मिलते हैं उससे कम है। टॉप कैटेगरी से लोग बैठे हुए हैं भरा हुआ स्टेडियम। विराट कोहली ने वीडियो कॉल किया अभी अभी अपनी टीम को और मुबारकबाद दी है जीतने पे। तो ये रॉयल चैलेंजर्स को चलो एक टाइटल मिल गया, वुमेन्स नहीं दिलाया लेकिन टाइटल मिल गया। विराट कोहली ने वीडियो कॉल भी किया आज वुमेन टीम को, क्योंकि विराट कोहली ने इतने रन स्कोर किए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, लेकिन टाइटल नहीं जीता सके। आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है, कोरोना किंग है वो। आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, बात है उसको साइड पे काट दो, डब्ल्यूपीएल की बात करो। डब्ल्यूपीएल का जो क्राउड है ना वो पीएसएल से 1000 times ज्यादा था। मतलब पीएसएल की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आया जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल में आई क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है, एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट ही। विमेन प्रीमियर लीग का फाइनल है और वहां पर क्राउड देखें, विमेन जो टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है वहां पर 20-25 हजार का निस्बत क्राउड आता है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑल इंपॉर्टेंट मैच के लिए क्राउड नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशानी यह है कि पीएसएल का फाइनल है जहां पर मोहम्मद रिजवान होंगे, शदाब खान होंगे, नसीम शाह होंगे, उसामा अमीर होंगे, ये वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कुछ ओवरसीज क्रिकेटर खेल रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिक्र यह है पीएसएल के फाइनल में कि यार स्टेडियम कैसे भरे। बड़ी बात नहीं है वुमेन्स की। बिल्कुल जी, आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच था दिल्ली कैपिटल के साथ और स्मृति मंदाना उनकी कैप्टन थी। अच्छा, ये टीम जब लास्ट ईयर इनकी बिल्डिंग हुई थी तो स्मृति मंदाना वाज द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर, और स्पॉन्सरशिप का भी कोई मसला नहीं है। तो अब एक आधी टीम कोई और आए, क्राउड भी ठीक ठाक आता है रिजवान साहब, ये भी मानने वाली बात है, बड़ा क्राउड आता है। पाकिस्तानी क्रिकेट कल फिर एक्सपोज हुई है। कल इंडिया की वुमेन लीग में इतना क्राउड आया था जितना पीएसएल की तारीख में नहीं आया होगा। वहाँ पे लड़कियों की लीग का फाइनल था और यहाँ पे पाकिस्तान के स्टार्स बाबर आजम, रिजवान, शादाब खान, इनकी प्लेयर्स के मैचे चल रही है और यहाँ पर 2-3 हजार बंदे स्टेडियम में आ जाते हैं। वहाँ अब तो आईपीएल शुरू नहीं हुआ और इतना क्राउड आते है कि पाकिस्तान सारा हैरान है। एमएस धोनी जब नेट में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इतना क्राउड बैठता है जितना पीएसएल के सेमीफाइनल में नहीं होते। और कल आरसीबी वुमेन टीम ने जब टाइटल जीता तो विराट कोहली ने वीडियो कॉल पर उस टीम के कैप्टन को मुबारकबाद दी। यहाँ पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है और इसीलिए पीएसएल का यही हाल है, कोई मैच देखने नहीं आती। और फिर ये लोग कहते हैं कि भाई साहब ये सब बीसीसीआई और जैसा कर रहा है, क्या ही कहले पाकिस्तान का। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग सच्चे स्पोर्ट्स लवर है। तो चले आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ पाकिस्तानी मीडिया की मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है इधर पाकिस्तान में, मेरे 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 घंटा और छनकना इधर पाकिस्तान में जो हो रही है, ये जो प्लेऑफ्स हो रहे हैं, ये जो सेमीफाइनल फाइनल हुए हैं, इनकी छनकना, खाली स्टेडियम भरे पड़े हैं उधर, खुद मैच देखने नहीं आ रहा उधर। देखा आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, बात है उसको साइड पे काट दो, डब्ल्यूपीएल की बात करो। डब्ल्यूपीएल का जो क्राउड है ना वो पीएसएल से 1000 times ज्यादा था। मतलब पीएसएल की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आया जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल में क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है, एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट ही, ये क्लास है बीसीसीआई की। ये उनकी आवाम, जिस तरह उनकी आवाम इंगेज होती है, इंटरेस्ट शो करती है, लड़कियों की क्रिकेट देखने के लिए कितनी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है उनकी उनकी आवाम। और आपके फुदर पीएसएल में पीएसएल के प्लेऑफ में सारे खाली स्टेडियम भरे हुए हैं। जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफ्फी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? टाइम ही नहीं आपके पास सोचने का। एक बड़ी जरूरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि देखिए, हम लोग इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, बात कर दी, ये जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं वहाब रियाज के, तो चलेंगे तो पीसीबी के हैं, लेकिन ये सारे कहां पे सोए हुए हैं? कुछ जवाब देने वाला है, फिर मैं इंडिया की बात करूंगी। कबड्डी के प्लेयर्स हमारे क्रिकेटर से ज्यादा कमा रहे हैं। लीग होती है, आपने तबाहों पर बात कर दिया। क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, क्या टेनिस, क्या कबड्डी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर हमने कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे, वरना हम